الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قال إنما أوتيته على علم عندي उसने कहा यानी قارون ने قارون का किस्सा जारी है उसने कहा إنما سوائے اس کے کہ نہیں اوتیتہ مجھے دیا گیا ہے یہ سے مراد یعنی یہ خزانے یہ مال و دولت یہ مجھے دیا گیا ہے علی علم عندی علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے اوتیتہ یہ کون سا صیغہ ہے کون سا فعل ہے کون سا باب ہے कौन बताएगा आप में से वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है हाल माजी मजहूल है ये और बाब और बाब है जरबा बाब जरबा जरबा ये बाबे फाल है बाबे फाल है जी देखिए हम जब जराबा से आते हैं तो भी तो हम जब मतलब हमने फिर माजी ठीक है चलिए आप ही बताइए आप ही बताइए कि जराबा से आएगा तो जराबा से कैसे आएगा बताइए हाँ जी अगर जराबा से आएगा तो फिर तो वो मुजारे का सिगा होगा तो वो अगर मजहूल की शक्ल में आएगा तो वो तो उफ आलू के वजन में आएगा उफालू अगर मजहूल होगा तो नहीं ये तो माजी मजहूल है ना अगर जराबा से अगर माजी जी जी ये ना अक्सर ये मसला होता है ये इसका तो ये ज़रा देख लें इसको हाँ जी जब आपको समझ आई है ये अता باب ضرب یضرب یہ ہے باب ضاد ہے مجرد اور باب ضرب یضرب ہے ضاد اور یہ باب افعال ہے تو ابھی ہاں جی آپ کے سامنے ہے سکرین میری اتا یاتی اتیان فہو آتن اوتی یؤتا اتیان فذاک مأتیون الامر منہ ایتی اور اسی سے باب فعل بنے گا تو آتا یؤتی ایتا فہو مؤتن و اوتی یؤتا ایتا فذاک مؤتن الامر منہ آتی اب یہ قال انما اوتیتہ ابھی اوتیتہ یہ آتا سے مجہول بنا اوتیا ایسے ہم نے صیغہ بنایا ہے اوتیتو ٹھیک ہے اوتیا سے ہم نے واحد متکلم کا صیغہ بنایا ہے اگر ہم اس سے بنائیں اوتیا سے ضرب یضرب سے تو کیا بنے گا وہ بنے گا اوتیتو اس میں واؤ نہیں ہوگا بس یہی میری غلطی ہم نے سمجھ لیا آج تو یہ اوتیتو جو ہے یہ باب افعال سے ہوگا اور ویسے بھی عطا کا مطلب آنا ہوتا ہے عطا یاتی
वो आया वो आता है, और आता युति का मतलब देना होता है, इसका माना बिल्कुल चेंज है टोटली बाब फाल का अता से। हाँ अगर अता लाजिम, अगर इसको मुतादी बनाना है तो बाल आएंगे तो ये मुतादी हो जाएगा अता बिलमा, फिर इसका मतलब आना नहीं होगा, लाना होगा, वो पानी लाया, लेकिन आता का मतलब देना होता है। ठीक है, तो बहरहाल उसने कहा सवाई से कि नहीं ऊ थी तो हूँ, मुझे दिया गया है ये अब आता यू ती से बाब इफ़ाल फिल माजी मजहूल है। उसने कहा सवाई से कि नहीं मुझे दिया गया है ये यानी ख़जाना है अला इल्म इंदी, मेरे इल्म की वजह से। अल्लाह फरमाते हैं अवलम यअलम अन्नल्लाहा क़द अहलका मिन क़ब्लिही, क्या और नहीं उसने जाना कि बेशक अल्लाह ने हिलाक कर दिया उससे पहले मिन अल-क़ुरून बस्तियों को, मन हुआ अशद्दु जो ज़्यादा सख्त थी उससे क़ुव्वतन क़ुव्वत में, व अक्सर जमा और ज़्यादा थी उससे जमा तादाद के एतबार से। वला युसअलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून, और नहीं सवाल किया जाता अपने गुनाहों से मुजरिमों से। तो असल में क़ारून का किस्सा जारी है, तो क़ारून के पास बहुत माल और दौलत था, उसको लोगों ने नसीहत की कि तू फ़ख्र ना कर, तू गुरूर ना कर, तकबर ना कर, और जो तुझे अल्लाह ने दिया है उसे आखरत भी तलाश कर और दुनिया में भी अपना हिस्सा ना भूल, दुनिया में भी अल्लाह की नेमतें हासिल करो, शुक्रिया अदा करो, और असल में आखरत को आखरत मतमा नज़र होना चाहिए। लेकिन उसने वो नसीहत ना मानी और उसने क्या कहा, उसने कहा ये सारा माल मुझे खजाने मुझे मेरी सलाहियत की वजह से मिले हैं, मेरे पास ऐसी सलाहियत है, ऐसा इल्म है जिसकी वजह से मुझे मेरी अकल, जिसकी वजह से मुझे सारे ख़जाने मिले हैं। तो अल्लाह ने उस पर तनकीद की है और अल्लाह ने फरमाया कि इससे पहले लोग भी बहुत ज़्यादा ताकतवर थे कुव्वत के एतबार से, और बहुत ज़्यादा उनके पास लश्कर थे, बहुत ज़्यादा उनके पास खादिम थे, काम करने वाले थे, मज़दूर थे, खुदाम थे, लेकिन खुदाम की कसरत और कुव्वत वो उसको अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सके। तो क़ारून कहने लगा कि सवाए इसके कि नहीं मुझे तो दिया गया है ये, अब ये आता युती से है तो इसका मतलब दिया गया, मुझे तो दिया गया है ये, यानी ये से मुराद ये माल ये ख़जाने, अला इल्म इंदी उस इल्म की वजह से जो मेरे पास है, तो ये सारे ख़जाने मुझे मेरी सलाहियत मेरे इल्म की वजह से मिले हैं। ये जुमला कि मुझे फ़लाँ चीज़ मेरे इल्म की वजह से, मेरे ज़ोरे बाजू की वजह से, मेरी सलाहियत की वजह से, मेरे तगोदो की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से, मेरी तदबीर की वजह से, मेरे बंदों की वजह से, मेरी कारगुजारी की वजह से मुझे ये चीज़ मिली है, ये जुमला अल्लाह को सख्त नापसंद है। यानी इंसान का काम क्या है कि इंसान किसी नेमत की बुनियाद, उसकी वजह इंसान अपने आप को या अपनी नाकिस सलाहियतें जो अल्लाह की दी हुई हैं इंसान उनको बनाए कि जी मुझे तो ये माल ये सलाहियतें ये ख़जाने मुझे मेरे इल्म की वजह से या मेरी सलाहियतों की वजह से मिले हैं या मेरे ज़ोरे बाजू की वजह से मिले हैं। कि आप कौन हैं और आपकी सलाहियतें क्या हैं, आप ख़ुद अल्लाह के मखलूक हैं और आपके अफ़ाल आपके अमाल अल्लाह के मखलूक हैं। इन्नकुम वल्लाहु खलकुकुम वमा तअमलून, अल्लाह ने तुम्हें भी पैदा किया है और जो तुम अमल करते हो उनको भी अल्लाह ने पैदा किया है। ये जब अल्लाह के मखलूक है, इंसान ख़ुद अल्लाह के मखलूक है और इंसान की सलाहियतें सारी की सारी इंसान की अकल, इंसान के इंसान का फहम, इंसान की दीगर सलाहियतें, इंसान के खादिम, इंसान के काम करने वाले वर्कर्स, औलाद, जो भी सलाहियतें जिसको दुनिया में सलाहियतें शुमार किए जाते हैं, ताकत, ज़ोर बाजू, ये सब चीज़ें अल्लाह के मरहूने मन्नत हैं। इंसान ख़ुद अल्लाह के मरहूने मन्नत है, अल्लाह के मखलूक है, तो इंसान के तमाम आमाल अफ़ाल अल्लाह के मखलूक हैं। तो इंसान को इनकी नस्बत अल्लाह की तरफ करनी चाहिए कि ये अल्लाह का फ़जल है मुझ पर, ये अल्लाह की अता है, अल्लाह की देन है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह, सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह, दीगर तमाम अंबिया व रसूल अलैहिस्सलाम अजमाइन और दीगर औलिया और नेक लोगों की तरह, वो हर चीज़ की नस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ करते हैं।
छोटी से छोटी चीज़ की निस्बत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ करते हैं। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखिए, अल्लाह ने उन्हें बोली सिखाई परिंदों की, हशरातुल अर्ज़ की, चूंटी की। तो जब उन्होंने चूंटी की बात समझ ली, या अय्युहन नास उल्लिमना मंतिकत तैरी व उतीना मिन कुल्ली शैई इन हाज़ा लहुवल फ़ज़लुल मुबीन, कहा कि ऐ लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है, हमें हर शय अता की गई है, ये नहीं कहा ये मेरी सलाहियत की वजह से, मेरे ख़ानदान की वजह से है, मेरी ताकत की वजह से है। कहा यह अल्लाह का फ़ज़ल है और अल्लाह का बड़ा वाज़ फ़ज़ल है। और जब भी चूंटियों की वादी से गुज़रे और चूंटी ने कहा बाकी चूंटियों से कि अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सैयदना सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें ला इल्मी में रौन न डाले, तो ये सुनकर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। फ़तबस्सम ज़ाहिकन मिन क़ौलिहा وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ پر کی۔ انسان پر اللہ کا ایک انعام ہو، انسان کو اللہ کی ہزاروں لاکھوں نعمتیں یاد آ جانی چاہیے کہ اے اللہ یہ بھی تیری نعمت، یہ بھی تیرا انعام اور دیگر سارے انعام بھی تیرے۔ جب ملکہ بلقیس کا تخت वो एक किताब का इल्म रखने वाला लाया पलक झपकने में, जब वो तख्त सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने सामने देखा तो क्या कहा? कोई फ़ख्र की बात नहीं की, कोई गुरूर की बात नहीं की, कोई अपने दरबार के लोगों की अजमत की बात नहीं की। क्या फ़रमाया? قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، अर्ज़ करने लगे कि ये मेरे रब का फ़जल है, वो मुझे आजमाना चाहता है कि मैं शुक्र अदा करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। और साथ ही फरमाया ओमन शकर फ़ैनमा यशकुरुल नफ़्सी, जो शुक्र करता है तो अल्लाह को उसका फ़ायदा नहीं होता, उसका शुक्र भी उसकी ज़ात के लिए है। ओमन कफ़र, और जो नाशुक्री करता है, फ़ैन रब्बी गनीयुन करीम, तो मेरा रब बड़ा बेनियाज है, इज़्ज़त वाला है, उसको ना हमारे शुक्र की ज़रूरत है कि उससे उसकी बादशाहत में इजाफ़ा हो, ना हमारी नाशुक्री से उसकी बादशाहत में कोई कमी होती है। लेकिन इंसान का ये काम है, अल्लाह की मखलूक का, कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह को ये बात सख्त नापसंद है कि इंसान किसी अजमत, किसी नेमत की बुनियाद इंसान ख़ुद को या अपने आमाल व अफ़ाल, अपने लोगों को करार दे, अपनी कुव्वत को करार दे। इसीलिए अल्लाह ताला ने फौरन उसकी तरदीद की और अल्लाह ने फरमाया अगर ये चीज़ तुझे तेरी सलाहियत, तेरे इल्म की वजह से मिली है तो ये सलाहियतें, ये इल्म, ये नौकर चाकर, ये कुव्वतें, ये तो तुझसे पहले लोगों को ज़्यादा मिली थी। क्या उसने नहीं जाना कारून ने कि उससे पहले बस्तियां, उससे पहले लोग वो इससे ज़्यादा ताकतवर थे, कौम आद कौम समूद इससे ज़्यादा ताकतवर थे, इतने ताकतवर थे कि अल्लाह फरमाते हैं कि उन जैसे लोग तो कभी पैदा ही नहीं किए गए। अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, उन जैसे लोग तो शहरों में पैदा ही नहीं किए गए, जिनको आदे इरम कहा जाता है, ज़ातुल इमाद कहा जाता है, सतूनों वाले, इतने ताकतवर थे वो, अल्लाह ने बनाया था, अल्लाह ने पैदा किया था, उन्होंने भी तकब्बुर किया अपनी ताकत का, अल्लाह ने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने उनकी ताकत, जिस ताकत पे वो फ़ख्र करते थे, वो कहते थे ये हवा चलती है, आंधी आती है, तो ये हम पे क्या असर डाल सकती है। अल्लाह ताला ने तेज़ हवा चलाई, वो हवा फिर 7 रातें और 8 दिन चलती रही, ऐसे इनको दरख्त के तनों की तरह पटक पटक कर उसने मारा। अल्लाह ने बताया कि इन लोगों के लिए कोई बहुत बड़े बड़े जलजलों की, बहुत बड़े बड़े ज़मीन फटे और ज़मीन के अंदर ये धंस जाएँ, या कोई आसमान से बिजली गिरे, या कोई इन पर अल्लाह का बड़ा अजाब आए, ऐसा इन लोगों के लिए वो हवा जो बड़ी बेज़र्र महसूस होती है, वो हवा ही इन पर काफ़ी है। सख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन फुसूमन फ़तरा अल-क़ौम फ़ीहा सरअ कअन्नहुम अजाज़ु नख़लिन ख़ाविया फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया, क्या एक शख्स भी बाकी बचा उन 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 गुरूर करने वालों में से, तकबर करने वालों में से एक शख्स भी बाकी नहीं बचा। और इससे पहले
बहुत लोग थे जिनके पास बड़े बड़े लश्कर थे, बड़े बड़े जत्थे थे। फिरौन का जत्था कम था, फिरौन की ताकत और माल दौलत कम थी। मिस्री तहजीब का वो बादशाह था और मिस्री तहजीब, मिस्री अम्पायर, वो आज भी एक जो है वो यानी उसकी मिसाल दी जाती दुनियावी तरक्की के अतबार से। तो अल्लाह को ये बात सख्त नापसंद है। और ये बात कारून ने कही और अल्लाह ने कारून को इसकी वजह से तबाह बर्बाद कर दिया और उसके दीगर कुफ्र शिर्क की वजह से। ये बात जो भी कहता है ये बात अल्लाह के लिए सख्त नापसंद है। और देखिए अल्लाह ताला कुरान करीम में इसका शिकवा करते हैं, इसका जिक्र करते हैं। अक्सर लोग ये बात कह जाते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता। देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ैदा मसल इंसान गुर्रुन दाना, अल्लाह शिकवा करते हैं इंसान के रवैये का। इस सूरह ज़ुमर आयत नंबर 49 है। जब इंसान को तकलीफ आती है वो भी अल्लाह के हुक्म से आती है, दाना वो हमें पुकारता है, उस वक्त इंसान समझता है कि मुझे अभी मेरी तकलीफ़ अल्लाह ही दूर कर सकते हैं। अब वो अपने, अगर वो फिर करता होता है अपने शरीकों को भी भूल जाता है उस वक्त, उस वक्त सिर्फ अल्लाह को पुकारता है। ثم اذا خولنا نعمه منا, फिर जब हम उसे अपनी तरफ से नेमत अता करते हैं, यानी इंसान मुश्किल में था, अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ने उसकी पुकार सुन ली, अल्लाह ने उसे नेमत अता की, तो क्या कहता है? قال انما اوتيته على علم, वो कहता है मुझे तो ये नेमत अपने इल्म की वजह से, अपनी सलाहियत की वजह से मिली है। ये आम तौर पर इंसान का रवैया है और ये चीज़ अल्लाह को सख्त नापसंद है। और हमारे यहाँ ये बातें अक्सर कह दी जाती हैं कि इंसान को अपने कुव्वत बाजू पर ये काम करना चाहिए, इंसान को अपने कुव्वत बाजू पर भरोसा होना चाहिए, इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर भरोसा होना चाहिए, अल्लाह पर तवक्कुल होना चाहिए। और तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि इंसान घर बैठ जाए और इंसान कोई तदबीर ना करे, नहीं, तदबीर इंसान ने करनी है और इंसान पूरी तदबीर करेगा, लेकिन तदबीर करके भरोसा तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर करेगा। 100% अपनी तदबीर करेगा और 100% भरोसा और तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर करेगा। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को भेजा मिस्र गल्ला लेने के लिए, जो तदबीर कर सकते थे वो तदबीर की, उनको नज़र बद से बचाने के लिए। कहा क्या मेरे बेटो, अलग अलग दरवाजे से दाखिल होना। और ये कहकर अपनी तदबीर बताकर कहा, अल्लाह का अगर फैसला कुछ और है तो मैं अल्लाह के फैसले के राह में रुकावट नहीं बन सकता, लेकिन ये मेरी एक तदबीर है। तो ये तदबीर ज़रूर करो, लेकिन मेरी ये तदबीर अगर अल्लाह का कोई हुक्म है तो तुम्हें अल्लाह के हुक्म से बचा नहीं सकेगी। पूरा ये तकदीर और तदबीर का फ़लसफ़ा, जो मुश्किल तरीन फ़लसफ़ा समझा जाता है, समझ ही नहीं आता हमें, वो समझा दिया सारे का सारा। ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, ऐ मेरे बच्चों एक दरवाज़े से दाखिल ना होना, मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना। वला उग्नि अनकुम मिन अल्लाह मिन शय, मैं तुम्हें अल्लाह से कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। इन हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला का इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ही है। अलैहि तवक्कलतु वअलैहि फलयतवक्कलुल मुतवक्किलून, मेरा भी तवक्कुल उसी पर है और उसी पर तवक्कुल करते हैं तवक्कुल करने वाले। तो ये है सही तवक्कुल, अपनी तदबीर करके। जितनी इंसान तदबीर कर सकता है, इंसान अपनी तदबीर करे, अपनी पूरी तदबीर करे और फिर पूरा भरोसा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर करे। ये भी गलत है इंसान सारा इंसान तदबीर, इंसान समझे कि बस सब कुछ मेरी तदबीर ही है और इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपनी ज़िंदगियों से निकाल दे, जैसे आज मग़रिब ने किया है वलियाज़ु बिल्लाह। ये भी कुफर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर, हुक्म के साथ। और ये भी गलत है कि इंसान घर बैठ जाए और इंसान घर बैठ कर कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी मदद करने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे मेरे दुश्मनों पर गालिब करने वाला है, और इंसान उसके लिए कोई मेहनत ना करे, कोई तदबीर ना करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे रिज़्क देने वाला है, सब कुछ अल्लाह करने वाला है। भाई अल्लाह ने तो सब कुछ करना ही है, तो तुमने क्या करना है? तुम्हें भी तो हाथ पांव मारने हैं, तुम्हें भी तो तदबीर करनी है, तुम्हें भी तो ऊँट का घुटना बांधना है।
हमें भी तो तैयारी करनी है। अगर कोई दुश्मन है तो दुश्मन के सामने आंखें बंद कर लेने से, अल्लाह पे तवक्कुल करने से हम दुश्मन से बच तो नहीं जाएंगे। हमें उसके लिए जितने हाथ पांव मार सकते हैं हम मारने पड़ेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कुल करना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर में दो घोड़े लेकर, 313 सहाबा लेकर दो घोड़े और चंद हथियार आप लेकर आप दुश्मन के मध्य मुकाबले आगे, जो तदबीर आप कर सकते थे, जो जमा पूंजी थी, जो कुछ था, आप लेके अल्लाह के हुजूर आ गए और अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए, ऐ अल्लाह ये हमारी तदबीर है, हम नाकिस हैं, हमारी तदबीर भी नाकिस है, हम जो कर सकते थे हमने किए हैं, ऐ अल्लाह अब फतह याब करना आपका काम है, अब फतह देना आपका काम है। और अल्लाह ने फतह दी और अल्लाह ने हमेशा फतह दी है। कम मिन फियतिन क़लीलतिन ग़लबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। तो ये चीज़ अल्लाह को सख्त नापसंद है कि इंसान हर चीज़ का क्रेडिट अपने इल्म, अपनी सलाहियत और अपनी तदबीर को दे। और देखिए हमारे मसाइल ना, आज हम क्राइसिस का शिकार हैं, मईशत हमारी कमज़ोर है, क्या इसका हल है जी? अब हम ये दुनियावी तदबीर कर लें, ये दुनियावी तदबीर कर लें, ये दुनियावी तदबीर कर लें, ये सब चीज़ें गलत हैं। हमें सिर्फ तदबीरें नहीं करनी, हमें तदबीरें करनी है, तदबीर करने से कोई इनकार नहीं है। असल चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ताल्लुक, वो किधर गया? अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल, वो किधर गया? हमारी तदबीरें कुछ नहीं कर सकती। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी नहीं है, सारी तदबीरें उल्टी हो जाएंगी। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अपना ताल्लुक उस्तवार करना पड़ेगा। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मोमिनो, अल्लाह की तरफ सब इज्तिमाई तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो दीन की तरफ रुजू करना होगा, कुरान और सुन्नत से नाता जोड़ना होगा, अल्लाह रसूल के अहकामात पर अमल करना होगा, दीन की तरफ पलट कर आना होगा, किताबुल्लाह को अपना रहबर और रहनुमा बनाना होगा। इन्नल्लाह यरफ़ाउ बिहादल किताबी अक़वामन व यज़ऊ बिही आखरीन। अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए कौमों को उरूज भी अदा करते हैं और इसी किताब की वजह से, इसको छोड़ने की वजह से अल्लाह कौमों को ज़लील कर देते हैं। तो अल्लाह के साथ को बुनियाद बनाना होगा। वह अंतुम अलऊना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब होगे बशर्ते कि तुम मोमिन हो। तो वह इन तस्बिरु व तत्तकु ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया, अगर तुम सब्र करो, तुम अल्लाह का डर इख्तियार करो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, तुम्हें दुश्मनों की तदबीरें कोई नुकसान नहीं दे सकेंगी। लेकिन उसके लिए सब्र और तकवा ज़रूरी है, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ ज़रूरी है। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के बग़ैर सिर्फ तदबीरें करके हम कैसे जो है वो गालिब आ सकते हैं और कैसे हम दुनिया के अंदर कामयाब हो सकते हैं? कभी कामयाब नहीं हो सकते। सूद को छोड़ना पड़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह रसूल के साथ जंग को छोड़ना होगा, तो फिर ही हम इन क्राइसिस से निकल सकते हैं। वरना जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इन कोशिश से क्या होने वाला है? अगर अल्लाह ने ज़ाहिरन अल्लाह ने आजमाइश के लिए हमें इन ज़ाहरी तौर पर क्राइसिस से निकाल भी दिया, अगर हम अल्लाह की तरफ हमने रुजू ना किया, हम भी चाइना की तरह अगर हमें कोई माशी तौर पर अगर अल्लाह ताला हमें इन क्राइसिस से निकाल दे, बरतानिया की तरह, अमेरिका की तरह, फ्रांस की तरह, तो अगर हम इन क्राइसिस से निकल भी गए तो फिर उसमें क्या है? फिर भी अल्लाह की नाराज़गी, ये चंद दिन की ज़िंदगी, ये चार दिन की ज़िंदगी दो आरज़ू में और दो इंतज़ार में, तो फिर कबर और आखिरत हमेशा हमेशा की ज़िंदगी वो कहाँ गई? तो असल चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ताल्लुक़ है, असल चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल है। और जब कोई शख्स अपने आप पर, अपनी सलाहियतों पर, अपने इल्म पर, अपने ज़ोरे बाजू पर भरोसा करता है, जिस तरह ये क़ारून ने किया, तो ये चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब को भड़काने के लिए ये एक बात ही काफ़ी है। जिसके दिल में राय बराबर तकब्बुर हो वो फिर जन्नत में नहीं जा सकता। तो उसने कहा सवाए से कि नहीं, मुझे तो ये खजाने, ये मुझे मेरे इल्म की वजह से मिले हैं। अब ये बात अल्लाह को शदीद गज़ब ना करने का बायस, तो अल्लाह ने फरमाया कि क्या उसे नहीं मालूम, क्या उसने नहीं जाना कि अल्लाह ने उससे पहले बहुत सी बस्तियों को हिला किया था जो इससे ज़्यादा ताकतवर थी, कुव्वत के एतबार से इससे ज़्यादा सख्त थी और इससे ज़्यादा तादाद में थी, जमअन आवानो अंसार के अतबार से, मुलाजमीन के अतबार से, वर्कर्स के अतबार से, खुद्दाम के अतबार से, वो भी हिलाक हो गए।
तो ये क़ुव्वत और ये वर्कर्स अगर अल्लाह नाराज़ है तो ये भी इंसान को अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकते। इससे पिछले लोग इससे ज़्यादा थे क़ुव्वत के एतबार से और जत्थे के एतबार से, तो अल्लाह ने उसको भी हिला किया। वो क्यों हिलाक हुए, सोचने की बात है, वो भी हिलाक हुए अल्लाह के नाफरमानी की वजह से, अल्लाह के साथ नाता तोड़ने की वजह से। गोया कि इसमें क़ारून को सबक दिया जा रहा था कि तुम्हें अपने कुव्वत बाजू पर, अपनी सलाहियतों पर भरोसा करने की बजाय तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाना चाहिए, मतलब मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पर ईमान लाना चाहिए, और तुम्हें जो है वो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बनाना चाहिए। और ये गोया कि उसको दावत दी गई, उसको नसीहत की गई, लेकिन उसने इस नसीहत से फ़ायदा नहीं उठाया। और साथ ही कहा वाला युसअलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून, नहीं सवाल किया जाता अपने गुनाहों से मुजरिमों से, मुजरिमों से उनके गुनाहों के बारे में सवाल नहीं होता। क्या मतलब, यानी जब मुजरिमों को उनके गुनाहों की सज़ा मिलती है फिर अल्लाह ताला पूछ पूछ कर फिर सज़ा नहीं देते कि ज़रा तुम बताओ तुमने फ़लाँ जुर्म क्यों किया, फिर अल्लाह ताला उज़र भी नहीं पूछते। फिर जब अल्लाह का गज़ब का कोड़ा बरसता है फसब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, फिर अल्लाह ने उन पर अज़ाब का कोड़ा बरसाया। पिछली कौमों पर, बड़ी ताकतवर कौमें, बड़ी मालदार कौमें, अल्लाह ने उन पर अज़ाब का कोड़ा बरसाया। क्यों अज़ाब का कोड़ा बरसाया? क्योंकि अल्लाह से वो दूर हो गए। तो जब फिर अल्लाह की तरफ से अज़ाब आता है फिर अल्लाह ताला सफाइयाँ नहीं देते उसकी, फिर अल्लाह ये नहीं पूछते जिस कौम को अज़ाब देना होता तुमने ये काम क्यों किया था, ये काम क्यों किया था, तुम इसका ज़रा जवाब दो, तुमने सही किया था गलत किया था। मुजरिमों से फिर उनके गुनाहों के बारे में सवाल भी नहीं होता, उनके उज़र भी कबूल नहीं किए जाते, ना उनसे उनके उज़र के बारे में पूछा जाता। बहुत गौरतलब आयत है, बड़ी सख्त आयत है, बड़ी इसमें नसीहत है हमारे लिए, उन लोगों के लिए जो अल्लाह से ताल्लुक़ तोड़कर सब कुछ भरोसा अपनी अपनी तदबीर पर करते हैं, दुनियावी चीज़ों पर भरोसा करते हैं, जैसे आज हम और हमारी हुकूमतें लगी हुई हैं इन क्राइसिस से निकलने के लिए। ये कभी भी इन क्राइसिस से इस तरह नहीं निकला जा सकता जब तक के इज्तिमाई तौबा ना की जाए, जब तक के कुरान को रहबर और रहनुमा ना बनाया जाए, जब तक सूद से, अल्लाह के नाफरमानी से, शिर्क से, बिदात से जान न छुड़ाई जाए। खरज अला कौमिही फी ज़ीनती, तो निकला वो अपनी कौम पर अपनी जेबो ज़ीनत में। पिछली आयत में अल्लाह ने बताया कि वो अपनी सलाहियतों पर तकब्बुर करता था, वो कहता था मुझे सारा ये ख़जाना, ये सारे माल दौलत, ये सारे मनसब, ये सारी दुनिया की नेमतें मुझे मेरी सलाहियत की वजह से मिली हैं। भाई तुझे तेरी सलाहियत की वजह से नहीं, अल्लाह की नेमत की वजह से मिली थी, लेकिन उसने इसको अपनी सलाहियत की वजह से कहा। फिर फ़खरज अला कौमिही फ़ी ज़ीनती, वो निकला अपनी कौम पर अपने ज़ेबो ज़ीनत में। अब वो उसी फूफा में और वो उसी तकब्बुर में और उसी गुरूर में, तो वो निकला फिर एक दिन अपने घर से, और एक दिन अपने घर से निकला अपनी ज़ेबो ज़ीनत में, बड़े कर्रो फर के साथ वो निकला जी, मैं क़ारून हूँ और मेरे पास ये ख़जाने हैं और मेरे पास इतने मेरे खादिम हैं और इतने मेरा जत्था है, और लोगों के सामने शेखी भी गाड़ता और लोगों के सामने फ़ख्र करता और ज़ेबो ज़ीनत करता, वो निकला तकब्बुर करते हुए, गुरूर करते हुए, शान व शौकत के साथ वो निकला अकड़ते हुए। अब अल्लाह को तो ये चीज़ सख्त नापसंद है, ये तकब्बुर है, अल्लाह को सख्त ये चीज़ सख्त नापसंद है। देखिए अल्लाह को ये चीज़ नापसंद नहीं, किसी के पास माल है, माल होना ये अल्लाह की नेमत है, और अल्लाह ताला कभी भी किसी इंसान से अल्लाह को ये चीज़ यानी नापसंद नहीं है कि इंसान अल्लाह की नेमत इस्तेमाल करे। अल्लाह को चीज़ नापसंद क्यों होगी? इंसान अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है और अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और अल्लाह इंसान से मोहब्बत करते हैं सबसे ज़्यादा। अल्लाह क्यों नाराज़ होंगे कि अल्लाह का बंदा अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करे? अल्लाह कभी भी नाराज़ नहीं होते, अल्लाह हुक्म देते हैं मेरी नेमतें इस्तेमाल करो, अल्लाह कहते हैं मेरी नेमतें इस्तेमाल करो, मेरी नेमत इस्तेमाल करके उनका इजहार भी करो। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत को बयान भी करो, तुम पर तुम्हारे रब की नेमत के असरात भी नज़र आने चाहिए,
उसका शुक्र भी अदा करो, लोगों को बताओ भी मेरे अल्लाह का एहसान है, मेरे अल्लाह की देन है, सारा का सारा मेरा रब का करम है, उसने मुझे ये भी दिया, उसने मुझे ये भी दिया, उसने मुझे ये भी दिया। इंसान को अपने ऊपर बिल्कुल फ़ख्र ना हो, अपनी सलाहियत की बिल्कुल भी बात ना हो, ये अल्लाह की अता है। जैसा सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अन्अमता अलैया वअला वालिदैय, हाज़ा मिन फ़ज़्ली रब्बी लियब्लुअनी अशकुरा अम अकफुर, ये मेरे रब का फ़ज़ल है, ये तख्त आ गया है, वो देखना चाहता है, आजमाना चाहता है मैं शुक्र करता हूँ ना शुक्री करता हूँ। जो शुक्र करेगा अपनी ज़ात के लिए करेगा, अल्लाह को कोई तकलीफ़ नहीं है कि एक इंसान नेमतों में क्यों है। अल्लाह को गुस्सा तब आता है कि जब एक इंसान नेमतों में होता है और नेमतों में होकर गुरूर करता है, फिर लोगों को कीड़े मकोड़े समझता है, फिर लोगों को भेड़ बकरी समझता है, अल्लाह को तब गुस्सा आता है। अल्लाह कहते हैं तू भी तो एक इंसान है, बाकी भी अल्लाह की मखलूक है, तो बाकियों को हकीर समझने का मकसद और लोगों को हकीर समझना, ये तकब्बुर का दूसरा दर्जा है। और इंसान इतना मुतकब्बिर हो जाए, इंसान अपने कर्रो फर में इतना गुरूर में आ जाए कि इंसान अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के अहकामात को ही इंसान अहमियत न दे, जो बड़ा तकब्बुर है, अल्लाह की आयात का इनकार करे, अल्लाह के अहकामात का इनकार करे, अल्लाह के अहकामात की, रसूल के अहकामात की परवाह ही ना करे, ये सबसे बड़ा तकब्बुर है। अल-किब्रु बत्रुल हक व गमतुन नास, तकब्बुर क्या है? हक का इनकार कर देना, लोगों को हकीर जानना, हक को हकीर जानना और लोगों को हकीर जानना, तो तकब्बुर का बड़ा मर्तबा वो हक को, अल्लाह रसूल के फरमान को हकीर जानना है, उसकी परवाह ना करना। और तकब्बुर का दूसरा मर्तबा जिसको हम आमतौर पर तकब्बुर समझते हैं, लोगों को हकीर जानना। एक साहबी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल मेरा दिल क्या होता है, मेरे कपड़े अच्छे हों, मेरी जूती अच्छी हो, मैं लोगों को अच्छा नजर आऊँ, क्या इसमें कोई हर्ज है? फरमाया इसमें क्या हर्ज हो सकता है, इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, अल्लाह खूबसूरती को पसंद करते हैं, अल्लाह को अच्छा लगता है अल्लाह का बंदा अल्लाह की नियमतें इस्तेमाल करे, लेकिन साथ शुक्र अदा करे, उसकी नस्बत अल्लाह की तरफ करे। फरमाया कि अल्लाह को तो ये चीज़ अच्छी लगती है, तकब्बुर क्या है? फिर आपने तकब्बुर की वजाहत फरमाई, तकब्बुर नहीं है इंसान अल्लाह की नियमतें इस्तेमाल करे, तकब्बुर ये है कि इंसान हक का इनकार करे और इंसान लोगों को हकीर जाने। एक इंसान अल्लाह की नियमतें इस्तेमाल करके दीन पर अमल करना छोड़ दे, ये है बड़ा तकब्बुर। फिर एक इंसान ने अल्लाह की नियमतें इस्तेमाल करे, लोगों को भेड़ बकरी समझे, ये है तकब्बुर और ये अल्लाह को सख्त नापसंद है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेंगे अगर तुम ईमान लाए शुक्र करते रहे, बल्कि शुक्र करने से तो अल्लाह नियमतों में इजाफा कर देते हैं। वही साज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि अगर अलबत्ता अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें इजाफा करूँगा नियमतों में। वला इन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर ना शुक्री करोगे तो फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। और ये वो शख्स अल्लाह के यहाँ काबिल रश्क है जो जिसको अल्लाह ने माल दिया है, नियमतें दी हैं, वो नियमतों को इस्तेमाल करता है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, यहाँ भी खर्च करता है, यहाँ भी खर्च करता है, शख्स काबिल रश्क है। अल्लाह ने कुरान करीम में नबियों की तारीफ़ की है, दो किस्म के रवैये पेश किए हैं नबियों के, और दोनों रवैयों को अल्लाह ने फरमाया, दोनों नबियों को फरमाया कि बेहतरीन इंसान थे, निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब, बेहतरीन इंसान थे दोनों, और दोनों बहुत रुजू करने वाले थे। किन दो नबियों के बारे में कुरान में एक ही सूरत में आगे पीछे ये जुमले आए हैं? एक सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में, एक सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। ये दोनों रवैये हैं। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र की इंतहा कर दी, मुसीबत में उन्होंने सब्र किया, अल्लाह फरमाते हैं निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नेमतों में शुक्र की इंतहा कर दी, अल्लाह ने फरमाया निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। जितना अल्लाह ने दिया हज़रत सुलेमान को, हज़रत सुलेमान ने कहा था अल्लाह वो बादशाह दे जो आपने ना मुझसे पहले किसी को दी ना मेरे बाद किसी को देना। अल्लाह ने दुआ पूरी की, उन्होंने उसका हक अदा किया, शुक्र अदा किया। अल्लाह कहते हैं निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत रुजू करने वाले थे। तो कभी इस मुगालते का शिकार ना हो कि अल्लाह को हमें तकलीफ, हमें नेमतों में देखकर अल्लाह को कोई नाराज़गी होती है और हमें तकलीफ़ में देखकर अल्लाह को खुशी होती है, हरगिज़ नहीं। हम दोनों आजमाइश, मुसीबत भी और नेमत भी, इस आजमाइश में जब हम कामयाब होते हैं तो अल्लाह को खुशी होती है। कोई बंदा मुसीबत में सब्र करता है अल्लाह को खुशी होती है, कोई बंदा नेमत में शुक्र करता है अल्लाह को खुशी होती है। हाँ, जो बंदा मुसीबत में जजा फजा करना शुरू कर दे, अल्लाह का शिकवा लोगों से करना शुरू कर दे, अल्लाह नाराज़ होते हैं। जो बंदा नेमत में तकब्बुर करना शुरू कर दे, अल्लाह नाराज़ होते हैं, गुरूर शुरू कर दे,
उसका मुजाहरा शुरू कर दे और लोगों को हकीर समझना शुरू कर दे तो फिर अल्लाह नाराज़ होते हैं और थोड़े नहीं ज़्यादा नाराज़ होते हैं। फरमाया फ़खरज अला कौमी ही फ़ी ज़ीनत ही, वो निकला अपनी कौम में अपने ज़ेबो ज़ीनत में, अकड़ते हुए निकला एक दिन, फिर अल्लाह के गज़ब को ललकारा उसने। قال الذين يريدون الحياة الدنيا, कहा उन लोगों ने जो चाहते थे दुनिया की ज़िंदगी। आप देखिए लोग तो फिर लोग होते हैं, उनमें से कई दुनिया के नेमतें और दुनिया के धोखे में बह जाते हैं। तो अब दो तरह के लोग थे, अब एक रवैया ये था वो अपनी ज़ेबो ज़ीनत में निकला, अपने आलीशान अंदाज से निकला, तकब्बुर करते हुए, गुरूर करते हुए, इसराफ करते हुए, तबज़ीर करते हुए, शान शौकत वो निकला। अब कहा उन लोगों ने जो दुनिया चाहते थे, अब वो हसरत में मुब्तला हुए। क्या कहा उन्होंने, या लैतलना मिस्लमा उतिया क़ारून, हाय काश के हमारे लिए भी उसी की मिसल हो जो क़ारून को दिया गया। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, बेशक वो तो अलबत्ता बड़े हज़ वाला है, हज़ का मतलब हिस्सा, नसीब, और अज़ीम बहुत बड़े, ज़ू वाला, वो बहुत अज़ीम फ़ज़ल वाला है। अल्लाह का तो उसमें बड़ा ही फ़ज़ल है, अल्लाह तो उसे बड़े ही राज़ी हैं और अल्लाह को उसमें बड़ा ही इनाम है। भाई अल्लाह का इनाम तो उस पर है जो उसको अल्लाह का इनाम माने, जो उसको अल्लाह का इनाम माने ही ना, जो कि ये मेरी सलाहियत है, तो अल्लाह का इनाम कहाँ से हो गया? वो ज़ू हज़ कहाँ से हो गया? वो फ़ज़ल वाला कहाँ से हो गया? वो तो फ़ज़ल वाला नहीं, फ़ज़ल वाला तो वो है जिसको अल्लाह का फ़ज़ल माने। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, जो उसे अल्लाह का फ़ज़ल माने वो तो फ़ज़ल वाला है, वो तो ज़ू हज़ है। लेकिन अगर वो उसको अल्लाह का फ़ज़ल मानते ही नहीं, वो कहते हैं मेरी सलाहियत, मेरा ज़ोर बाजू, मेरे नौकर चाकर, मैं ये, मैं वो, तो कहा उन लोगों ने कि जो दुनिया की ज़ीनत चाहते थे, उन्होंने कहा हाय काश के हमारे लिए भी वही हो जो क़ारून को दिया गया। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, बेशक ये अलबत्ता बहुत बड़े हज़ वाला है, बहुत बड़े नसीब वाला है। ये एक रवैया ये, तो लोगों के माल और दौलत देखकर कुछ लोग हसरत में मुब्तला हो जाते हैं, कहते हैं कि असल तो ये शख्स है, असल तो ज़िंदगी ये शख्स गुजार रहा है, ये रवैया और बड़े ग़लत रवैया। दूसरा रवैया क्या है, وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا, ये दूसरा रवैया है। और कहा उन लोगों ने जिनको इल्म दिया गया, ويلكم ثواب الله, अफसोस हो तुम पर, किनको कहा, उन लोगों को जो हसरत करने लगे कारून को देखकर, कारून की शान शौकत देखकर। अल्लाह तआला चीजें हमारे सामने क्यों बयान कर रहे हैं? हमारी इस्लाह के लिए। आज भी हमें दुनिया में लोग ऐसे नज़र आते हैं जिन पर दुनियावी नेमतें बहुत ज़्यादा हैं, एक से एक आगे बढ़कर, और ऐसी नेमतें नज़र आती हैं कि गोया कि वो शख्स जन्नतों में है। दो रवैये होते हैं लोगों के, एक रवैया वो जो हमने पढ़ लिया, जो दुनिया चाहते हैं वो ये नहीं देखते कि उस शख्स का अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक़ है, वो इन नेमतों को अल्लाह का फ़ज़ल करार देता है कि नहीं देता, कि अपनी सलाहियत करार देता है, अल्लाह का फरमा बरदार है कि अल्लाह का नाफरमान है, ईमान वाला है कि ईमान वाला नहीं है, बस वो देखते हैं कि उस पर बड़ी नेमतें, वो कहते हैं काश के हम भी इस जैसे हों, काश के नेमतें हमारे पास भी हों, ये तो बड़ा फ़ज़ल वाला है, बड़े मकाम वाला है। लेकिन दूसरे लोग होते हैं अहले इल्म, देखिए हर जगह अहले इल्म उलमा इस्लाह करते हैं लोगों की, ये फितना है बहुत बड़ा, माल दौलत, दुनिया की नेमतें, फितनों का मुकाबला भी उलमा सिखाते हैं, अहले इल्म के पीछे चलना चाहिए। अब कारून और कारून का फितना बहुत बड़ा, एक फिरौन का फितना है, ये इख्तदार और सल्तनत का फितना है, एक हामान का फितना है, ये उस सल्तनत में किसी को बड़ा ओहदा मिल जाए वो फितना है, और एक फितना माल का है, ये फितना कारून का है। ये एक ही दौर में तीन फितने बड़े बड़े इकट्ठे हो गए, कोई बंदा बाकायदा बादशाह बन जाता है, हुक्मरान बन जाता है, एक उसका फितना होता है जैसे नमरूद, शद्दाद वगैरह, और एक शख्स वो हुक्मरान तो नहीं होता लेकिन वो हुक्मरानों का ख़ास मंजूर नज़र होता है, उसके पास ख़ास ओहदे होते हैं, माल है कि नहीं लेकिन उसके पास ओहदा है, उसकी चलती बहुत ज़्यादा है, बादशाह उसकी बात सुनता है, उसकी बात पर कान धरता है,
दुनिया उसकी बात सुनती है, उसके पास इख्तदार है, वो कोई गवर्नर है, कोई इस तरह की उसके पास अल्लाह की दी हुई सलाहियत है। ये इसकी मिसाल हामान है। और तीसरा शख्स जिसकी मिसाल उसी ज़माने में कारून है, ये तीनों अल्लाह ताला इनका ज़िक्र करते हैं, ये सिंबल है अल्लाह के नाफरमानों के। इसके पास माल और दौलत है, इख्तदार नहीं है, ना ये फिरौन की तरह सरबरा था, ना इसके पास कोई ओहदा था, लेकिन माल और दौलत बहुत ज़्यादा था। माल और दौलत नहीं है, अपनी मिसाल आप था, ज़रबुल मसल था। अब ये फितने हैं, इन फितनों में अब कुछ लोग जो हैं वो दुनिया परस्ती और हर चीज़ को ज़ाहिर नज़र से देखते हैं। कुछ लोगों ने कहा बड़ा फजीलत वाला इंसान है, बड़ा नसीब वाला इंसान है, लेकिन अहले इल्म ने इस्लाह की। तो हमेशा फितनों में अहले इल्म फितनों का सामना करते हैं। आप कुरान करीम का मुताला करें, आपको कुरान करीम में जगह जगह ऐसी जगहों पर जहाँ यानी बड़े मुश्किल वक्त हैं, मुश्किल जगह हैं, वहाँ इस्लाह किसने की है? नबी, सबसे बड़े तो नबी, वो इमाम है मुत्तकीन के, उनके बाद फिर उलमा उम्मत में। आप देखेंगे कुरान कहेगा वक़ाल लदीना उतुल इल्म, फिर उस मौके पर अहले इल्म ने कहा, अहले इल्म ने इस्लाह की। अब यहाँ दूसरा रवैया है जो अच्छा रवैया है, जो मिसाली रवैया है, जिसकी इख्तदा होनी चाहिए, वो अहले इल्म का रवैया है। और वो क्या रवैया है? उन्होंने कहा कि कारून का ख़जाना भी आ जाए किसी के पास, जब तक ईमान नहीं है, जब तक अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं है, तो इस ख़जाने की क्या अहमियत है। और कहा अहले इल्म ने, जिनको इल्म दिया गया, वही लकुम, अफसोस हो तुम पर, सवाबुल्लाह खैरुल लिमन आमना व अमिला सालिहा, जो अल्लाह के पास सवाब है आखिरत में, दुनिया में भी, असल व आखिरत में है, दुनिया में भी उसकी मिसालें मिल जाती हैं। तो अल्लाह का सवाब वो ज़्यादा बेहतर है उस शख्स के लिए जो ईमान लाए और नेक अमल करे। वो कहने लगे असल में यार ईमान और अमल साले है, ये माल और दौलत की नेमतें क्या होती हैं? अगर ईमान नहीं है वो कानून जितना माल और दौलत भी हो तो ज़ीरो है, और अगर ईमान है तो उसकी अहमियत है, ईमान नहीं है तो कोई अहमियत नहीं। किसी ओहदे की, किसी इख्तदार की, किसी सलाहियत की कोई अहमियत नहीं है अगर ईमान नहीं है, अगर अमले साले नहीं है। तो अगर अमले साले है तो ठीक है, आप समझिए कि ये इख्तदार आ जाए फिरौन की तरह का, हामान की तरह कोई ओहदा किसी को मिल जाए, या कारून की तरह किसी को माल दौलत मिल जाए, सारे ज़ीरो 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 हैं, जब तक ईमान का वन उसके साथ शामिल नहीं होता। ईमान का एक शामिल हो जाए, उसके साथ जितने ज़ीरो लग जाए ठीक है, उसकी अहमियत बढ़ती जाएगी। अगर ईमान ही नहीं है तो बाकी ज़ीरो 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 जमा ज़ीरो जमा ज़ीरो, उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो उन्होंने कहा, अहले इल्म ने कहा कि ईमान और अमले साले सब कुछ है, और ईमान और अमले साले के साथ जो अल्लाह की तरफ से सवाब मिलता है, अल्लाह की तरफ से बदला मिलता है, असल अहमियत तो उस बदले की है, वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, असल अहमियत ईमान और अमले साले की है। वला युलक्काहा इल्ला साबिरून, और नहीं इसकी तलकीन की जाती मगर सब्र करने वालों को। ये सलाहियत और ये बात समझ किसको आती है? सिर्फ सब्र करने वालों को। इसके लिए सब्र की ज़रूरत है, इसके लिए अपने आप पर कंट्रोल की ज़रूरत है, अपने नफ्स का मुहासबा करने की ज़रूरत है, नफ्स को लगाम देने की ज़रूरत है। ये नफ्स को लगाम दिए बगैर ये चीज़ नहीं आ सकती, इसके लिए सब्र करना होगा, अपने आप को अल्लाह के नाफरमानी से बचाना होगा, अल्लाह की इताअत पर अपने आप को पाबंद करना होगा। मुश्किलात भी आएंगी, उन मुश्किलात में जजा फजा से गुरेज करना होगा, सब्र करना होगा। दो रवैये अल्लाह ने पेश किए, कारून अपने जेबो जीनत में निकला और कहा ये सारा मेरी सलाहियत है, और आगे फिर दो रवैये, एक जो दुनिया चाहते थे और एक वो जो दीन चाहते थे। और मैंने कहा कि हमेशा ऐसे मौक़ों पर अहले इल्म, और आप देखिए अल्लाह ने क़यामत का ज़िक्र किया। अब क़यामत का दिन कोई इम्तिहान का दिन यानी इम्तिहान नहीं है, वहाँ तो जजा ही जजा है, लेकिन देखिए अल्लाह ने क़यामत के दिन अहले इल्म का मकाम कैसे वाज़े किया। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, लोग आपस में बातें कर रहे होंगे, कोई कहेगा कि जी हम दुनिया में इतना अर्सा गुजार के है, कोई कहेगा इतना अर्सा गुजार के है, कोई कहेगा इतना अर्सा गुजार के है। मुजरिम लोग कसम उठा कर कहेंगे हम तो एक घड़ी से ज़्यादा गुजार के नहीं आए। भैया मतकूमसा तो युक्सिमुल मुजरिमूना मा लबिसू गैर साअ कज़ालिका कानू युफ़्कून, लोग बैसे कर रहे होंगे क़यामत के दिन। अल्लाह फरमाते हैं उस दिन फिर अहले इल्म बोलेंगे क़यामत के दिन, वक़ाल अल्लज़ीन उतुल इल्म वल ईमान लक़द लबिसतुम फ़ी किताबिल्लाहि इला यौमिल बअस
फहादा योमुल बास वला कि तुम कुन तुम ला तालमून, उस दिन अहले इल्म कहेंगे, जिनको अल्लाह ने इल्म भी दिया और ईमान भी दिया, वो कहेंगे, क्या कहेंगे कि लक़द लबिस तुम फी किताब अल्लाह इला योमुल बास, तुम कहते हो हम चंद घड़ी रहे, हम चंद घंटे रहे, हम चंद दिन रहे, तुम जो इख्तलाफ कर रहे हो, तुम दुनिया में बास के दिन तक रहे हो। फ़हादा योमुल बास, अब्बास का दिन आ गया है, वलाकिन्नकुम कुंतुम ला तालमून, लेकिन तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ने वहाँ अहले इल्म का जिक्र किया और अहले इल्म का जिक्र करके अहले इल्म की फजीलत बयान की, और यहाँ भी अल्लाह ने अहले इल्म का जिक्र किया कि किस तरह अहले इल्म ने सही रहनुमाई की। लेकिन असल में अहले इल्म की ये रहनुमाई कुछ लोगों को समझ आ जाती, कुछ लोगों को समझ नहीं आती। समझ फिर कब आती है? जब अल्लाह की तरफ से फिर पकड़ आती है, उसके बाद फिर लोगों को समझ आती है सही बात क्या थी। तो दुनियादारों का रवैया भी सामने आ गया, अहले इल्म का रवैया भी सामने आ गया। अब खसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज, फिर अल्लाह फरमाते हैं हमने धंसा दिया उसको, व बिदारिहिल अर्ज, और उसके घर को भी ज़मीन में। अल्लाह फरमाते हैं कि वो जो अपनी ज़ेबो ज़ीनत के अंदर निकला था शान व शौकत कर रो फर के साथ, अल्लाह को बात इतनी नापसंद आई, लोग फिर दो गिरोहों में बट गए, कुछ दुनियादार थे और कुछ दीनदार थे। तो दीनदार लोगों ने दीन की बात की, दुनियादारों ने दुनिया की बात की, तो अल्लाह ने वहीं लोगों के सामने उसे ज़मीन के अंदर धंसाना शुरू कर दिया। हमने उसे ज़मीन के अंदर धंसा दिया, ज़मीन फटी और ज़मीन के अंदर धंस रहा है। अब ज़मीन के अंदर धंसने लगा तो धंसते धंसते कहता है, अच्छा ऐ मूसा, अब तुम चाहते हो कि मेरे माल पर तुम कब्ज़ा कर लो, यानी अल्लाह का अज़ाब उस पर है। और वो उस देखिए, जब एक बंदे की मत मारी जाती है फिर वो किस इंतहा पे, किस गुमराही में फिर जा पड़ता है। फिर वो उसे अल्लाह की तरफ से कोई छोटे मोटे अजाब आए, मुश्किलात आएँ जो रहमत होती हैं अल्लाह से करीब करने के लिए, गफलत की नींद से जागने के लिए, वो उसमें भी तकब्बुर करता है, गुरूर करता है। और जब अल्लाह का अजाब आए उस वक़्त भी, फिर वो उस वक़्त कोई बहरहाल उसको तौबा भी करे, तौबा की अहमियत भी नहीं है, तो वो कहने लगा, अच्छा हज़रत मूसा ने बद्दुआ की थी, तो कहने लगा कि ऐ मूसा, अच्छा तुम चाहते हो कि ठीक है अब मैं तो अल्लाह के अज़ाब का शिकार हो जाओ, तुम मेरे माल पे कब्ज़ा कर लो। तो अल्लाह ने उसके माल को भी, उसके घर को भी, उसकी तमाम चीज़ों को भी साथ धंसाना शुरू कर दिया। फ़खसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज, बस हमने धंसा दिया उसको भी, उसके घर को भी, ज़मीन उसके जो महल्लात, उसके सारा माल और दौलत वो भी साथ ही, वो जिसकी चाबियाँ ग़ुलाम नहीं उठा सकते थे वो भी ज़मीन में साथ धंस रहे, वो नहूसत सारी की सारी। अल्लाह ने कहा ज़मीन को उससे पाक कर दें। बस हमने धंसा दिया उसको भी और उसके घर को भी ज़मीन में। फ़मा कान लहू मिन फियातिन यंसुरूनहू मिन दूनिल्लाह, बस नहीं थे उसके लिए कोई जमात जो मदद कर सकती उसकी अल्लाह के अलावा। वमा कान मिनल मुंतसिरीन, और ना ही वो खुद था मिनल मुंतसिरीन, अपनी मदद आप करने वालों में से कोई जमात नहीं थी जो उसकी मदद करती, और वो ख़ुद भी अपनी मदद खुद नहीं कर सकता था, ना वो ख़ुद अब अपने आप को अल्लाह के अज़ाब से बचा सकता था, ना कोई दुनिया की ताकत उसे अल्लाह के अज़ाब से बचा सकती थी। अब सारा फिरौन का लश्कर, अब सारे वो लोग दुनियादार जो कहते थे काश के हम भी फिर कारून की तरह हो जाएं, उनके सामने वो धंसना शुरू हुआ, उनमें से एक शख्स भी उसे नहीं बचा सके, बल्कि सारे तो तौबा तौबा करने लगे, कोई उसे अल्लाह के अज़ाब से बचा नहीं सका, और वो ख़ुद भी नहीं, ना वो ख़ुद अब उसकी सलाहियतें कहाँ गई, अब अपनी सलाहियतों से कहता मुझे अल्लाह के अज़ाब से बचाओ, अब वो अपनी अकल से कहता कि मैं अपनी अकल की वजह से अल्लाह के अज़ाब से बचता हूँ, अब वो अपने कहता अब अपने जत्थे से कि मुझे अल्लाह के अज़ाब से बचाओ, कोई उसे अल्लाह के अज़ाब से बचा नहीं सका, ना वो खुद अपनी मदद खुद कर सका। वो असबहल्लदीन तमन्नू मकानहू बिलअम्स, और हो गए वो लोग जिन्होंने तमन्ना की थी उसकी जगह होने की कल, जो लोग कुछ पहले कह रहे थे काश के हम भी कारून जैसे हो जाएं, अब वो थू थू करने लगे, और अब वो लोग जो उसकी जगह होने की तमन्ना कर रहे थे कल, वो क्या कहने लगे, वो कहने लगे वही कअन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिर, वो कहने लगे कि बेशक अल्लाह ताला ला देता है रिस्क को जिसके लिए चाहता है अपने बंदों में से, और तंग कर देता है। बड़ी अकल आ गई उनको, फौरन ही अकल आ गई, वो कहने लगे नहीं नहीं ये कोई कमाल की बात नहीं है, अल्लाह की नेमतें, ये माल और दौलत,
ये ख़जाने, ये ग़ुलामों की जमात, ये कोई कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह की एक तकसीम है। अल्लाह किसी को देकर आजमाता है, किसी को लेकर आजमाता है। जिसके लिए चाहता है अल्लाह रिज़्क़ फैला देता है, जिसके लिए चाहता है अल्लाह रिज़्क़ तंग कर देता है। ख़ुद ब खुद समझ आ गई, ऐसी समझ आई जो उलमा के समझाने से समझ नहीं आती, जो नबियों के समझाने से समझ नहीं आती, वो अल्लाह के अज़ाब को देख कर समझ आ गई। अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा किसी को, किसी पर अज़ाब भेज कर अल्लाह किसी को नसीहत करते, और खुशबख्त वो है जो चलो दूसरे पर कोई मुसीबत आए वो उससे खुद सबक सीख ले, वरना फिर इंसान पर भी मुसीबत आती है। इंसान पर जब मुसीबत आए फिर इंसान के लिए उससे सीखना मुश्किल होता है। असईद मुग़ीबा बग़ैरिही, खुशबख्त वो होता है, सआदतमंद वो होता है जिसको दूसरे के ज़रिए नसीहत कर दी जाए। बाहर उनको नसीहत हो गई, उनको सबक मिल गया, वो जो कल उस जैसा होने की तमन्ना कर रहे थे वो कहने लगे कि हकीकत ये है कि अल्लाह ताला फैला देता है रिस्क को जिसके लिए ये चाहता है अपने बंदों में से, और तंग कर देता है। कहते हैं अल्लाह की तकसीम है, किसी को अल्लाह दे देते हैं, किसी को अल्लाह नहीं देते दुनिया के अंदर। लौला अमनल्लाहु अलैना लखसफ बिना, अगर ये बात ना होती कि अल्लाह का हम पर एहसान, अल्लाह हम पर एहसान करते, एहसान ना करते, अगर ये बात ना होती कि अल्लाह का हम पर एहसान होता, यानी अगर अल्लाह का हम पर एहसान ना होता, लखसफ बिना, तो अल्लाह हमें भी धंसा देते। शुक्र करने लगे कि शुक्र है अल्लाह ने हमें कानून जैसा माल नहीं दिया, शुक्र हम कानून जैसे रवैये में हम मुबतला नहीं हुए, शुक्र हम बच गए, शुक्र अल्लाह ने हमें नहीं धंसाया। वही कहना ला युफ्लिहुल काफिरून, हकीकत यह है कि काफिर लोग कभी कामयाब नहीं होते। अब ये कौन बात कर रहा है, अब ये कौन नसीहत कर रहा है, अब ये उलमा नसीहत नहीं कर रहे, अब ये वो जो दूसरी पार्टी थी, वह जो कानून जैसा होने की तमन्ना करती थी, अब उसको समझ आ गई। अब वो कह रही है, वो कह रही है कि ये अल्लाह के फैसले हैं, किसी के पास माल है अल्लाह की तकसीम है, ये वो अल्लाह का इनाम नहीं है, किसी के पास माल नहीं है ये भी अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह किसी को देकर आजमाता है, किसी को रिज़्क़ तंग करके आजमाता है अपने बंदों में से, और फिर कहते हैं अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हम पर एहसान किया, अल्लाह ने हमें ज़मीन में धंसाया नहीं। और फिर कहने लगे कि हकीकत यह है कि काफिर कभी कामयाब नहीं होते, कितना ही मालदार क्यों ना हो जाए, फिरौन की तरह, हामान की तरह, कारून की तरह, काफिर कभी कामयाब नहीं होता। कामयाब कौन होता है? क़द अफ़लहल मोमिनून, ईमान वाला कामयाब होता है। कामयाब कौन होता है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वइन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिल नारि वउद्ख़िलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़। कामयाब वो है जो अल्लाह के अज़ाब से बचा लिया गया, आखिरत में और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब हो गया। अल्लाह जन्नत का तज़किरा करते हैं और जन्नत का तज़किरा करके अल्लाह फरमाते हैं इन्ना हाज़ा लहू अल फौज़ुल अज़ीम, ये असल में बहुत बड़ी कामयाबी है। असल कामयाबी तो उखरवी कामयाबी है। दुनिया की ज़ाहिरी नेमतों से किसी को धोखा नहीं खाना चाहिए, और दुनिया के पर किसी के ऊपर मुसीबतें हैं उससे भी किसी को धोखा नहीं खाना चाहिए कि शायद ये अल्लाह का नाफरमान है कोई, अल्लाह इससे नाराज़ है, क्या पता वो हमसे हज़ार गुना ज़्यादा बेहतर हो। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है, असल कामयाबी ईमान के साथ है। تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين। ये आखिरत का घर जो असल कामयाबी है, जो समझ आ गई है लोगों को, ये आखिरत का घर हम बनाते हैं इसको उन लोगों के लिए, ला يريدون علوا في الأرض ولا فسادا, जो ज़मीन में ना तकबर चाहते हैं ना ज़मीन में फसाद चाहते हैं। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है, और आखिरत की कामयाबी उसका ताल्लुक दुनिया के माल दौलत से नहीं है। उसका ताल्लुक किससे है? दुनिया में कोई बंदा माल दौलत वाला है या नहीं है, वो दुनिया में उसको मुतकब्बिर नहीं होना चाहिए, उसको ज़मीन के अंदर उलूम का तलबगार नहीं होना चाहिए। उलूम किसे कहते हैं? ज़मीन के अंदर बुलंदी, बुलंद मरतबा मुझे मिल जाए, मुझे ज़मीन के अंदर मकाम मिल जाए, मैं मुतकब्बिर हो जाऊँ। आखरत की कामयाबी उन लोगों के लिए जो दुनिया में गुरूर नहीं चाहते, तकबर नहीं चाहते, ओहदे नहीं चाहते बड़े बड़े, ना ज़मीन में फसाद चाहते हैं। यह ज़मीन में उलूब से मुराद वो गलत उलूब है, गलत तकबर। हाँ, अगर एक बंदा, अगर अल्लाह उसको ज़मीन के अंदर माल दे दे, इख्तदार दे दे, और वो माल और इख्तदार के बाद वो बंदा अल्लाह के सामने आजिज़ हो, तो वो ज़मीन में तकबर करने वाला नहीं है, वो ज़मीन के अंदर उलूब का चाहने वाला नहीं है।
ये उलूब तकबर के माना में आता है, इन फिरऔन अला फिल अर्ज, फिरौन ने ज़मीन में तकबर किया, इन्नहुम कानू कौमन आलीन, वो तकबर करने वाले लोग थे। तो यहाँ उलूब से मुराद तकबर है, जो ज़मीन के अंदर तकबर चाहें, गुरूर और फ़ख्र और तकबर। तो तकबर करने वाले ये कभी भी, इनके लिए आखिरत की नेमतें नहीं हो सकती, चाहे दुनिया के अंदर कितनी नेमतें इनके पास क्यों ना हो। और जो ज़मीन में फसाद नहीं चाहते, फसाद क्या है? अल्लाह के नाफरमानी फसाद है, शिर्क फसाद है, अल्लाह के अहकामात के नाफरमानी फसाद है। फसाद सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी पर ज़्यादती करें, शिर्क करने वाले भी सबसे बड़े फसादी हैं और किसी पर जुल्म करने वाले भी सबसे बड़े फसादी हैं। वल आक़िबतुल मुत्तकीन, आखिरत का इंजाम, आक़िबत कहते हैं इंजाम को, इंजाम किसका है? लिल मुत्तकीन, अल्लाह से डरने वालों। तो ईमान के साथ कामयाबी है, तख्वा के साथ कामयाबी है, और उखरवी अच्छा इंजाम है। और अगर दुनिया की नेमतें हैं लेकिन दुनिया की नेमतों के साथ हो, उलूब है, तकबर है, गुरूर है, फसाद है, तो ये सरासर नाकामी है। बाकी अगर दुनिया की नेमतों के साथ आजिज़ी है, शुक्र है अल्लाह ताला का, तो ये अल्लाह का इनाम है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कारून का किस्सा जो हमने पढ़ा है, ये सिर्फ किस्से के तौर पर नहीं पढ़ा, ये हमने इसलिए पढ़ा ताकि हम इसे अपनी इस्लाह करें। ये कारून, दुनिया में बहुत सारे कारून हमें नज़र आते हैं और कारून के सामने दोनों रवैये भी हमें नज़र आते हैं। अब हमारा रवैया क्या होना चाहिए, ये हमने यहाँ से सबक सीखा है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।